गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। जैसे कि न्यूज़ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ निर्वाचन आयोग से। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप काफी टाइम से रिजल्टों को लेकर के पूछ रहे हैं मुझसे कि परिणाम कब आएंगे, रिजल्ट कब आएंगे, ज्वाइनिंग कब तक आएगी, परीक्षा कब तक होंगी। उसमें से एक एनएस खान जी हैं जो उर्दू अनुवेदक के बारे में पूछते रहती हैं, उसमें मनीष कुमार जी हैं जो मंडी परिषद के बारे में पूछते रहते हैं, ऐसी जेई के लिए प्रजापति हैं, शिव कुमार हैं, और भी लड़के हैं जो आलोक कुमार हैं, सुशील हैं, सब पूछते रहते हैं, या फिर आपके अलग अलग ब्रांच हो गए हैं वो भी पूछते रहते हैं कि कब तक होगा। फॉरेस्ट गार्ड के लिए वो आपका नितिन है, वो पूछते रहते हैं। देखिए सब भाई लोगों, मैं आपसे यही चीजें बताना चाहूंगा कि जो आयोग में काम हो रहा है, पहली प्राथमिकता पीईटी पर है, उसके बाद परीक्षाएं कराई जाएंगी। परिणाम की बात करूं मैं तो परिणामों का कार्य चल रहा है, आपके परिणाम जारी किए जा रहे हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया भी था, परिणामों को लेकर के मैं आपको फिर से बता देता हूं, जो भी मैं अपडेट देता हूं बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। अगर आप उसको चाहें तो देखिए क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कहा था होम्योपैथी फार्मासिस्ट की जो वेटिंग लिस्ट है वो आने वाली है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो दूसरा परिणाम होगा वो आपका आवाकारी का रिजल्ट होगा, उसके बाद मंडी परिषद का होगा, फिर लोअर टू का थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, वो अगस्त में जाके होगा। जो मंडी परिषद है ये जुलाई लास्ट या फिर आपका ये भी अगस्त के फर्स्ट वीक तक या सेकेंड वीक तक आएगा, और उसके बाद आपका लोअर टू का भी तभी आने वाला है। यानी कि आवाकारी और इसका आपका होम्योपैथी की जो लिस्ट है सेकेंड लिस्ट, ये इसी मंथ आने निश्चित है, जैसा कि आयोग से कहा गया है। अब कुछ कहते हैं कि क्या गारंटी देते हो, देखिए जो पता चला है आपको बता दिया जाता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने श्योरिटी ले ली है कि हाँ आएगा आएगा, जो पता चला है जो आयोग से अंदर से कहा गया है जो भी चीज़ें, अब वो भी 100% अगर ऐसा होता तो वो एक कैलेंडर जारी करके आपको बता देते, ठीक है, कि आपको परेशान नहीं करते, क्योंकि उनको खुद को इतना पता नहीं होता है किस तरीके से, क्योंकि कल अगले मोमेंट में क्या हो जाए, अगली चीज़ें क्या हो जाए, कि क्या चीज़ में पेज फंस जाए, कि क्या नहीं हो पा रहा है, तो वो चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखा करें कि मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, या मान लिया मैं इस चीज़ का किया वो नहीं करता हूँ कि हाँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो अनऑफिशियली पता चल जाती हैं, आपको बता दी जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ 100% अपना चैनल चलाने के लिए झूठ बता करके आपको चलाया जाएगा। कुछ चीज़ें सच भी होती हैं जो इंसान आपको बताए और इनडायरेक्टली वे में ना बताए, क्योंकि वो पीछे से भी कुछ उसके पीछे हो रखा होता है। तो देखिए मैं वो चीज़ आपको जो बता रहा हूँ कि जो परिणाम है ये इस सिक्वेंस में आने वाले हैं। अब बात रही परीक्षा की, पीईटी का एग्जाम पता है 20 अगस्त को, उसका परिणाम सितंबर में आएगा। उसके बाद जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कौन सी परीक्षाएं होंगी, देखिए फॉरेस्ट गार्ड हो गया, एएसओ की परीक्षा हो गई, आपका एएसओ की एएसओ हो गया, लोअर मेंस हो गया, वीडियो की परीक्षा हो गई जो री एग्जाम होना है, अब उसके ऊपर भी कोर्ट केस चल रहा है वीडियो के ऊपर कि भाई वो कब तक होगा, तो उस पर अभी तक स्टे मिलने के चांस बन भी रहे हैं नहीं भी बन रहे, उसका कुछ पता नहीं चल रहा, 50-50 मिनट की पड़ी है वीडियो 2018। तो अब वीडियो 2016 की वेटिंग लिस्ट है, इसके बारे में जानकारी मिली थी कि इसकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी, बट ये कब तक होगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसी वाहन चालक भर्ती वाले जो छात्र हैं उनका भी कुछ पता नहीं चला है कि क्या हो रहा है, उनकी फाइल दब गई है कि कहाँ है, कुछ पता नहीं है। उर्दू अनुवेदक के रिजल्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है आयोग से, जो कि मैं आपको बताऊं कि हाँ सेटिस्फाई कर दूं कि हाँ इसकी मुझे जानकारी इतनी मिली है। ज्वाइनिंग की बात मैं करूँ तो छात्रों, ज्वाइनिंग की बात यही है कि ज्वाइनिंग जो आप सभी की होगी, ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है स्टार्ट हो गया है, डिपार्टमेंटों ने काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ज्वाइनिंग जो है आयोग नहीं कराता है, वो डिपार्टमेंट कराते हैं। जो डिपार्टमेंट में जितनी जल्दी जरूरत होगी, जहाँ जितनी जल्दी जो उसका प्रोसेस होता है उतनी जल्दी करके आपको ज्वाइनिंग दे देता है। जैसे कि मैं बात करूँ कि अगर कोई PWD का है, या फिर कोई कृषि का है, या फिर कोई आपका माइनर इरीगेशन का है, या फिर कोई मंडी परिषद का है, तो हर किसी का काम करने का एक प्रोसेस होता है कि कितने दिन में क्या सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप करके पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद आपको ज्वाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हर किसी डिपार्टमेंट का अपना एक वो होता है, ऐसा नहीं कि उसकी उसकी ज्वाइनिंग आ गई आपकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं आई, तो हर किसी डिपार्टमेंट का अलग अलग अपना प्रोसेस होता है। तो ज्वाइनिंग का कार्य स्टार्ट हो गया, डिपार्टमेंट जल्दी आपको ज्वाइनिंग कराएंगे। अब ये नहीं पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितनी जल्दी ज्वाइनिंग कराता है, उसके लिए आपको क्या कहते हैं आयोग की वेबसाइट पे जाएं, अगर वहाँ पे आधिकारिक रूप से आपकी बात हो सकती है, जो कॉन्टैक्ट वगैरह देते होते हैं, तो आप वहाँ से बात करें तो आपको जल्दी एक क्लियर विजन हो मिलेगा। AGTA हो, सुप्रीम सुपरवाइजर हो, इनकी ज्वाइनिंग, देखिए ये सब डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, ये नहीं कि आयोग से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। आयोग का काम होता है केवल एग्जाम कंडक्ट कराना, DB करा देना, उसके बाद फाइल आयोग डिपार्टमेंट को पहुंचा देना, बाकी डिपार्टमेंट कितनी जल्दी ज्वाइनिंग कराएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस वो भी आपको उसका रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो बस वीडियो में नहीं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।